अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 3। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे मैकेनिकल ड्राइंग्स, एक न्यू ड्राइंग्स बनाएंगे मैकेनिकल में। और इसमें आज हम बनाएंगे जी हाउसिंग कवर ऑफ मैकेनिकल ड्राइंग्स। किसी मैकेनिकल ड्राइंग्स में एक हाउसिंग कवर आप कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमने क्या चीज़ बनानी है। और इसकी जो हमारे पास टू डायमेंशन में डायग्राम है वो ये है, देख सकते हैं ड्राइंग ये है उसकी, और थ्री डायमेंशन की ड्राइंग जो है वो ये आपको नज़र आ रही होगी, देख सकते हैं। तो ये हमने किस तरह बनानी है, इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ से लेसन नंबर 3 पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये ड्राइंग बनी हुई है, आप देख सकते हैं इसकी डायमेंशन भी दी हुई हैं। तो ये ड्राइंग्स मैंने प्रीवियस लेसन में आपको बना नहीं बताई भी थी, ये वही चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल सेम वही है, लेकिन इसकी डायमेंशन थोड़ी चेंज है। तो आप डायमेंशन बना बना सकते हैं, यहाँ से देख लें और ऐसी डायमेंशन आप बना लेंगे, नोट कर लें, फिर आप डायमेंशन बना लेंगे। तो मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि मैं अगर शुरू से काम करूँगा तो उसमें टाइम लग जाएगा मुझे, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से इनको। ओके, सही है। अब एक काम करना यह है कि मैं यहां से एक कंस्ट्रक्शन लाइन लूंगा, क्योंकि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में देखें तो आपके पास यहां पे एक और ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है इसके ऊपर, देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसकी ड्राइंग नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह बनाएंगे। तो उसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूं यहां से एक्सेल, और एक्स एंटर करता हूं, ओके एक्सेल एंटर करता हूं। तो एक्सेल के लिए मैं यहां से दोबारा बताता हूं आपको, एक्सेल एंटर, और यही एक्सेल आप यहां से भी एंटर करें, एक्स एल एंटर, ओके एल एंटर यहां से इस कॉर्नर से, और यहां से भी, या बल्कि आप एल एंटर ना करें, ट्रिम करें इसको, एल एंटर आप यहां से करें, यहां से यहां तक। एक मैं अलग से बनाता हूँ ताकि मैं इसको अलग से इस पर काम कर सकूँ, और इसको भी आप यहाँ से चैम्फर करना है, जीरो पॉइंट टू सेवन सी एच ए एंटर, डी एंटर 0.2, अच्छा यहाँ पे मेरे पास है, ओके इसको मैं डिलीट करता हूँ, ओके यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ से फिर कंस्ट्रक्शन लाइन एक्सेल एंटर करता हूँ, या फिर आप डायरेक्ट लाइन भी ले सकते हैं। तो मैं एक्सेल ओके, और यहाँ से एल पोलियन पी एल एंटर, पी एल एंटर, ओके इसको मूव करता हूँ, आप एम एंटर, यहाँ पे ले आता हूँ। ओके अब काम जो करना है वो उस काम की तरफ चलते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके अब जो काम करना है वो ये काम है कि इसको मैं 3D में लेके जाता हूँ, ओके 3D में लेके आ गया, ये टॉप व्यू में मैंने बनाई है, याद रखिएगा कि टॉप व्यू में मैंने बनाई है, और उसको 3D में लेके आता हूँ।
ओके, और अब इसको मैंने प्रेस पुल कमांड से इसको मैंने सेंटर से इसको खींचना है, और इसको मैं थोड़ा सा साइज देता हूँ, मैं साइज देता हूँ 0.2, 0.3 कर देता हूँ। ओके, और अब जो मैंने काम करना है वो ये काम है कि मैं अपने इस ऑब्जेक्ट पे काम करूँगा, और इस ऑब्जेक्ट को मैं इसके सेंटर से, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सेंटर जो है वो आप देखें यहाँ से राउंड है, यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको राउंड करना है, तो राउंड करने के लिए सेंटर इसका जो राउंड करेंगे, तो उसके लिए पहले तो मैं इसको इसको भी यहाँ से प्रेस पुल कमांड से इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूँ, और वो जो एक्सट्रूड करूँगा तो वो मैं करूँगा यहाँ पे 2। एमेंटर प्रेस पुल कमांड 2। ओके, अब इस पे जो काम करना है वो ये काम करना है कि इसको मैं अब यहाँ से लेफ्ट पे लाता हूँ, और यहाँ से मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको लेफ्ट पे लाता हूँ। कस्टम इसको फ्रंट पे ले आता हूँ या फिर लेफ्ट पे लेके आता हूँ, राइट साइड पे ले आता हूँ। सेंटर सेल एंटर, ओके। अब मैं इसको ये जो सेंड एल एंटर किया, मैंने इसको ओ एंटर करता हूँ और ऑफसेट देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको 2 दिया, तो मैं इसको देता हूँ 0.2, 0.3 करता हूँ इस साइड पे, और 0.3 इस साइड पे। टॉप से भी इसी में इसी तरह ऑफसेट देता हूँ, तो उसके लिए एल एंटर करूँगा यहाँ से 0.3, 0.3 एंटर, 0.4 कर लेता हूँ बल्कि, और यहाँ पे एल एंटर करता हूँ नीचे इस बॉटम से भी, ओ एंटर, 0.4 एंटर दोनों कॉर्नर से, और यहाँ से भी 0.4, सॉरी। तो इस ऊपर जो ये चला गया इसको डिलीट करता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे काम ये करना है कि ट्रिम करना है इसको, तो सेंटर वाली लाइन को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। ओके, ट्रिम करना है तो ट्रिम के लिए टी आर डबल इंटर, और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस एरिया को ट्रिम करना है, कंट्रोल जेड, टी आर डबल इंटर, ट्रिम क्यों नहीं हो रही, डबल इंटर को छोड़ने पहले सिंगल इंटर करें और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस स्पेस करें फिर, और फिर जिस जिस एरिया को अपने ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट करते हैं। देखें, डबल एंटर नहीं करना, आपने सिंगल एंटर करना है। ओके, क्योंकि 3D में हम काम कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ से ये जो एरिया है इसको डिलीट कर दें, यहाँ से इस एरिया को भी डिलीट कर लें, सी एंटर करें, और सर्कल जो लेना है आपने 2 पॉइंट लेना है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सर्कल लेता हूँ, और इसी सर्कल को मिरर करता हूँ, एम आई एंटर सेलेक्ट किया, और यहाँ से, बल्कि इसको यहाँ से फिर सर्कल ले लें, सी एंटर 2 पॉइंट सर्कल, 2P फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट,
टी आर एंटर, ऑब्जेक्ट दोनों को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करके जिस जिस कॉर्नर को डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कर लें। फिर करता हूँ टी आर एंटर, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस, ओके आ गए यहाँ तक। और अब इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ से प्रेस पुल कमांड यूज़ करनी है, इस एरिया को सिलेक्ट करना है सेंटर वाले को और उसको आगे ले जाना है। ये अब माइनस हो गया इसमें से, और अब इसको आप शेड दें, शेड देने से पहले आप इसको मूव करें, एम एंटर, ये सारे सारे को सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक और इस कॉर्नर से उठाएं, उठा के आप इसको अपने ऑब्जेक्ट के इस कॉर्नर के साथ अटैच कर दें, जुड़ गया। और अब यहाँ पे इसको शेड दें ज़रा, और ये फालतू के एडिट्स हैं इसको अब डिलीट कर दें क्योंकि हमने दो तीन बार दिए। तो अब यहाँ से मैं इसको व्यू में जाता हूँ, और व्यू में जाता हूँ और इसको ये इलास्टिक व्यू में लेके आता हूँ, देखता हूँ। ओके आप कर देखें, आपकी फिगर यहाँ पे ड्रॉ हो गया, बन गया, आप देख सकते हैं। तो ये जी हाउसिंग कवर देख सकते हैं, ये इसका हाउसिंग कवर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, और इसमें इसको आप दोबारा से आप इसको सारे को यूनियन करने के लिए आप यहाँ से यूनियन कमांड लें और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस कर लें, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है यूनियन हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये था जी हाउसिंग कवर, और हाउसिंग कवर हमने ड्रॉ किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।